एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर, एनडीए का नेता चुने जाने के बाद बोले नीतीश कुमार। कहा, विधानमंडल दल की नेता चुने जाने के बाद नीतीश कुमार का सबसे बड़ा बयान, मैं सीएम नहीं बनना चाहता था, बीजेपी के आग्रह पर मैं सीएम बना। नीतीश कुमार का सबसे बड़ा बयान, मैं चाहता था कि सीएम बीजेपी का बने। नीतीश कुमार ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता था, बीजेपी नेताओं के आग्रह पर मैंने मुख्यमंत्री बनना मंजूर किया। नीतीश ने यह भी कहा कि मैं चाहता था कि सीएम बीजेपी का ही बने। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं आप, नीतीश कुमार का बड़ा बयान। एनडीए का नेता चुने जाने के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता था। संवाददाता प्रशांत कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, ये क्या एंटी इनकम्बेंसी की आवाज है जिसने नीतीश कुमार को ये कहने पर मजबूर किया कि मैं तो मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहता था, हालांकि वो विनम्र निवेदन जरूर कर रहे थे। जी देखिए शिखा, पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊं। मैं इस वक्त जो एक अन्य मार्ग है, मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है, वहां पर जब से नीतीश कुमार राजभवन से निकल कर आए हैं वहाँ स्थिति थोड़ी सी भगदड़ जैसी है। यहाँ पे मीडिया बड़ी संख्या में है, समर्थक बड़ी संख्या में है, लिहाजा मुख्यमंत्री यहाँ संबोधित कर रहे हैं, लेकिन हम लोग के लिए सुनना थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल हो रहा है। मैं आपको बताऊँ कि जो नीतीश कुमार का बयान आया है, अगर आप देख पा रहे हो शिखा, मुख्यमंत्री यहाँ पर कुछ कह रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ तक पहुँचूँ लेकिन शायद संभव नहीं हो। शिखा मैं आपको ये बताऊं, प्रशांत आपकी आवाज हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच रही है, शायद नेटवर्क में कुछ परेशानी है। प्रशांत आप कुछ कह रहे थे? प्रशांत, शिखा जो आपने सवाल किया मैं उसका जवाब दे रहा था कि जब से ये रिजल्ट आया है तब से बार बार ये कहा गया कि चूंकि बीजेपी को ज़्यादा सीटें मिली हैं जेडीयू के मुकाबले, ऐसा पहली बार हुआ है जब जेडीयू को कम सीटें मिली हैं, तो क्या बेहतर नहीं हो कि बीजेपी का कोई सीएम बने। बार बार ये सवाल उठाया जा रहा था, बीजेपी के कुछ नेता ये बार बार मांग कर रहे थे कि अब समय आ गया है कि बीजेपी का सीएम बनाया जाना चाहिए, इसलिए संभवतः आज नीतीश कुमार ने ये बात कही है कि वो सीएम नहीं बनना चाहते थे लेकिन बीजेपी ने आग्रह किया लिहाजा उन्हें बनना पड़ा है। ये यहाँ पर मैं एक बार फिर तस्वीर दिखाऊँगा कि चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने कुछ कहा है, मैं आप कोशिश ये कर रहा हूँ ये बताने की कि आखिर उन्होंने क्या कहा है मैं जान सकूँ। आप खुद देख सकती हैं यहाँ पुलिस वालों और सुरक्षा बलों को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, मीडिया तो बड़ी संख्या में है ही, समर्थक बड़ी संख्या में है। आखिर बड़ा दिन है आज, क्योंकि संशय था कि आखिर एनडीए की सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, तो मुख्यमंत्री कौन होगा, आखिरकार फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं लिहाज बड़ी संख्या में है। जी इस वक्त की एक बार फिर से आपको बड़ी खबर बता दें एबीपी न्यूज पर, इस वक्त की बड़ी खबर एनडीए विधानमंडल दल के नेता चुने जाने के बाद नीतीश कुमार का पहला बयान सामने आया है। नीतीश ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री तो बनना नहीं चाहता था, बीजेपी नेताओं के आग्रह पर मैंने मुख्यमंत्री बनना मंजूर किया। लगातार हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, तस्वीरें देखिए आपके सामने। नीतीश कुमार आपसे कुछ ही देर बाद आपको सुनाएंगे, देखिए तस्वीरों में नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं, राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं, जेडीयू विधायक दल के नेता चुने गए नीतीश कुमार। एनडीए विधायकों की बैठक के बाद सरकार बनाने का दावा पेश होगा। अभी इस वक्त राजभवन के बाहर नीतीश कुमार साथ में जीतन राम मांझी, देखिए मीडिया से मुखातिब हो रहे नीतीश कुमार, सुनते हैं। अरे विनोद जी क्या कर रहे हैं, अरे हमको जाते हुए यार जल्दी बताया जाए, अरे माइक नीचे कर बताया जाए, माइक नीचे कर, हेलो इनको सीधे हाथ करूंगी अंदर, क्या अंदर
दी है विधानमंडल दल की बैठक हो गई और उसमें हम तो काम करते हैं नेता का निर्वाचन किया गया। अरे यार नीचे के आधार पर हम सब लोग अभी महामारी का निर्वाचन हो गया क्या कर हम हिला रहे थे नीतीश को दोनों तुम माइक और राज्यपाल महोदय ने दे दिया और उसको अरे यार हाथ ऊपर करो कब होगा शपथ ग्रहण कल कितने बजे कल आफ्टरनून अच्छा कल आफ्टरनून अच्छा और ये 4:30 बजे के करीब होगा आफ्टरनून में अच्छा आज की बैठक में सर आपने अपने संबोधन में क्या कुछ बातें रखी है कुछ बताएंगे सब लोगों को काफी अच्छे से काम करना पड़ेगा अरे यार माइक नहीं कल कितने मंत्री शपथ लेंगे सर कल कितने मंत्री शपथ लेंगे वो अभी अभी तय होगा सभी घटक दलों के मंत्री होंगे सब अभी दे दिया गया और उसको स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री के रूप में मनोनीत तक भेज सकते हैं इसके बाद हम लोग बैठ और कल शपथ ग्रहण समारोह होगा कल 4:30 बजे जो भी होगा आफ्टरनून में होगा और उसके बारे में कितने लोग शपथ लेंगे इन सब चीजों के बारे में अब निर्णय होगा सुशील मोदी भी शपथ लेंगे सब अभी कुछ देर के बाद पता चलेगा जेडीयू विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद नीतीश कुमार पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए जानकारी देते हुए कहा कल शाम 4:30 बजे सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा कितने मंत्री शपथ लेंगे इस सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी तय होना बाकी है आपको बता दें राजनाथ सिंह सुशील मोदी के साथ गेस्ट हाउस रवाना हुए एनडीए विधायक दल की मीटिंग के बाद कितने मंत्री कल शपथ समारोह में शामिल होंगे कितने लोग शपथ लेंगे इसकी अभी जानकारी नीतीश कुमार ने नहीं दी लेकिन कल शाम लगभग 4:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा आपको सीधा इस वक्त प्रशांत के पास लेकर चलते हैं जो ग्राउंड जीरो पर हैं प्रशांत पहली बार नीतीश कुमार मुखातिब हो गए अब मीडिया से उन्होंने जानकारी दी है कल 4:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह है क्या ताजा जानकारी है जी देखिए शिखा सबसे पहले मैं ये एक अपडेट मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के जो दोनों प्रभारी हैं चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के जो बिहार में प्रभारी हैं भूपेंद्र यादव वो दोनों नेता यहाँ दोबारा पहुँचे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने आपको आपने देखा होगा कि एनडीए की बैठक समाप्त होने के बाद राजनाथ सिंह के साथ सुशील मोदी और बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता थे भूपेंद्र यादव और देवेंद्र फडणवीस वो यहाँ से थोड़ी दूर पर स्थित जो स्टेट गेस्ट हाउस है वहाँ पर गए थे और वहाँ पर एक बैठक हुई है और उस बैठक के बाद दोबारा भूपेंद्र यादव और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री आवास मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे हैं और ये काफ़ी अहम माना जा रहा है दो चीज़ों पर चर्चा हो सकती है शिखा एक तो जो मंत्रिमंडल का स्वरूप होना है वो कैसा होगा क्योंकि राजनाथ सिंह एनडीए की बैठक के बाद राजनाथ सिंह ने बैठक ली है सभी नेताओं के बीजेपी के और उसके बाद भूपेंद्र यादव और देवेंद्र फडणवीस यहाँ पहुँचे हैं और दूसरा जो बार बार ये सवाल उठाया जा रहा है कि जो उप मुख्यमंत्री कौन होगा इन सभी बातों पर एक विचार एक मंत्रणा और एक अंतिम फैसला लेने के लिए संभवतः भूपेंद्र यादव और देवेंद्र फडणवीस फिर से दोबारा यहाँ मुख्यमंत्री आवास पर पहुँचे और मैं बताऊँ जब दोनों नेता वहाँ यहाँ पहुँचे उस वक्त नीतीश कुमार खुद मीडिया से बात कर रहे थे अपनी बातें रख रहे थे जो आपने अपनी कुछ देर पहले दर्शकों को सुनाया उन्होंने ये जानकारी दी कि कल शाम को 4:30 बजे नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा राजभवन में संभवतः और जो सरकार का क्या स्वरूप होगा इस पर चर्चा के लिए अभी देवेंद्र फडणवीस और भूपेंद्र यादव यहाँ नीतीश कुमार से दोबारा मिलने पहुंचे हैं तो एक महत्वपूर्ण अपडेट मैं देना चाह रहा था शिखा आपको हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रकाश देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच गए हैं क्या मायने हैं इसके
देखिए, एक बात तय नहीं हो पाया। मैंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से खुद बात की अभी, और उन्होंने कहा कि जब मैंने पूछा कि बाकी बातें तो तय हो गई है, 4:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसा होगा, इस पर अभी वो चर्चा करेंगे। उनके साथ में जीतनराम मांझी थे, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के संजय जायसवाल थे और वीआईपी के मुकेश सहनी थे। लेकिन जो अहम बात है, जो हमने पूछा कि सुशील मोदी जी का क्या हुआ, क्या वो डिप्टी सीएम बन रहे हैं, तो इस पर उन्होंने कहा कि उनके बीजेपी के नेता तय कर रहे हैं और वो जो कहेंगे फिर उसी हिसाब से आगे की कार्रवाई होगी। तो जाहिर है कि अभी भी सुशील मोदी के डिप्टी सीएम बनाए जाने पर संशय बरकरार है। ये बड़ी खबर खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एबीपी न्यूज से कहा है कि अभी तक तय नहीं हुआ है, बीजेपी के नेता ही तय करेंगे और वही बताएंगे कि आखिर डिप्टी सीएम कौन होगा या क्या होगा, क्या मंत्रिमंडल का स्वरूप होगा, वही फाइनल होगा। सुशील मोदी होंगे या नहीं उस पद पर काबिज, अब से कुछ ही देर पहले एबीपी न्यूज से खास बातचीत में नीतीश कुमार ने कहा कि ये पार्टी तय करेगी कि डिप्टी पद पर, डिप्टी पीएम सीएम के पद पर कौन काबिज होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको एबीपी न्यूज पर हम दिखा रहे हैं। लगातार अब से कुछ ही देर पहले नीतीश कुमार मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने पूरी बातचीत की। कल शाम 4:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। नीतीश ने यह भी कहा कि मैं चाहता हूं कि सीएम बीजेपी का ही बने, लेकिन बीजेपी के आग्रह पर मुझे मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। एक बार सुनाते हैं आपको नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं। विधानमंडल दल की बैठक हो गई, मुझे नेता के रूप में निर्वाचित किया गया। महामहिम राज्यपाल महोदय को उसका पत्र आज अभी दे दिया गया और उन्होंने इसको स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री के रूप में मनोनीत कर दिया है। इसके बाद हम लोग बैठ कर, कल शपथ ग्रहण समारोह होगा, कल 4:30 बजे जो भी होगा आफ्टरनून में होगा, और उसके बारे में कितने लोग शपथ लेंगे इन सब चीजों के बारे में अब निर्णय होगा। सुशील मोदी भी शपथ लेंगे, वो सब अभी कुछ देर के बाद पता चलेगा। एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर देख रहे हैं आप। एनडीए विधानमंडल दल के नेता चुने जाने के बाद नीतीश कुमार का पहला बयान सामने आया। नीतीश कुमार ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता था, बीजेपी नेताओं के आग्रह पर मैंने मुख्यमंत्री बनना मंजूर किया। अब से कुछ ही देर पहले मीडिया से मुखातिब हुए नीतीश कुमार, साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कल शाम 4:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। कितने नेता शपथ ग्रहण में शपथ लेंगे इस पर अभी विचार बीजेपी कर रही है। बीजेपी के कितने नेता होंगे, लगातार जो है बातचीत जारी। इसी बीच आपको ये भी बता दें कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो भी मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच चुके हैं। आपको सीधा प्रकाश कुमार के पास लेकर चलते हैं। प्रकाश, अब तक के अंदाजे और आंकड़े के मुताबिक क्या कुछ कयास लगाए जा सकते हैं कि ये जो रेशियो होने वाला है दोनों पार्टियों के बीच वो क्या रहेगा, और ये जो पूरा विस्तार होने वाला है मंत्रिमंडल का वो किस तरीके से होगा? जो सबसे बड़ा सवाल वो यही है कि क्या सुशील मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी टूट जाएगी, क्योंकि सवाल डिप्टी सीएम का नहीं है बल्कि हर जगह हर पल नीतीश कुमार का साय की तरह साथ देने वाले सुशील मोदी पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस मंत्रिमंडल में वो शामिल होंगे या नहीं होंगे, क्या वो केंद्र में उन्हें भेजने की तैयारी हो रही है, राज्यसभा के जरिए जो रामविलास पासवान के निधन से सीट खाली हुई है उसके जरिए राज्यसभा भेजा जा सकता है, फिर वहाँ मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। ये तमाम बातें चल रही है और इसका एक जो देखा गया वो राजनाथ सिंह के साथ लगातार सुशील मोदी दिख रहे हैं, यानी जो केंद्र से आए हैं नेता जिनकी निगरानी में ये सब कुछ हो रहा है, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, उनके साथ दिख रहे हैं। और दूसरा जो सवाल है कि क्या स्वरूप होगा, नीतीश कुमार ने एबीपी न्यूज से कहा कि वो इस बारे में चर्चा कर रहे हैं और कल आज रात तक या कल तक ये बातें साफ हो जाएंगी कि उनके मंत्रिमंडल में कौन चेहरा होगा, क्या पुराने सारे चेहरों को जगह दी जाएगी या फिर नए चेहरे होंगे। जैसा कि 8 विधायक जो है वो जो मंत्री थे वो हार चुके हैं तो उनकी जगह कौन लेगा, या मंत्रिमंडल का फुल हाउस होगा 36 जो होगा वो होगा या कम होगा, ये सब कुछ आज रात या कल सुबह तक पता चल जाएगा। शिखा, प्रकाश, सबसे बड़ा सवाल ये है कि डिप्टी सीएम के पद को लेकर के नीतीश कुमार जो इस सवाल को टालते नजर आए मीडिया से बातचीत करते हुए, एबीपी न्यूज से खास बातचीत करते हुए आपने जैसे जानकारी दी, लेकिन बीजेपी के जो तमाम बड़े चेहरे हैं, बड़े नेता हैं, वो तो कह रहे हैं कि ये जोड़ी तो बन रही है, नीतीश और सुशील की जोड़ी एक बार फिर से बिहार में है, तो इतनी श्योरिटी की कमी क्यों है? बात साफ है, ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम के पोस्ट को लेकर जो ओल्ड गार्ड और नए गार्ड के बीच में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। जो पुराने नेता हैं जो सुशील मोदी के समर्थक हैं वो चाहते हैं सुशील मोदी बने, जो नए नेता हैं
क्योंकि इस बार के सीट सिलेक्शन में सुशील मोदी का ही नहीं बल्कि नित्यानंद राय का भी चला है। आपको कुछ ऐसे भी नेता थे जो केंद्रीय नेताओं के वरदहस्त उनके प्राप्त था और वो जगह पा लिए, वो विधायक बन गए हैं। तो जाहिर है कि एक गुट बन चुका है बीजेपी के अंदर में, जो पहले सर्वमान्य होता था वो नहीं दिख रहा है। तो ये जो गुटबाजी हो रही है केंद्रीय नेताओं, जो बिहार के भी केंद्र में नेता हैं, जो बिहार में नेता हैं, उन दोनों के बीच में कहीं तो कुछ गड़बड़ तो दिख रहा है, वो खाई जरूर है, उसे पाटने की कोशिश हो रही है। क्या राजनाथ सिंह मुहर लगाएंगे या अंतिम फैसला देंगे सुशील मोदी पर, या सुशील मोदी एक बार भी मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं जब से ये खबर फैली कि कामेश्वर चौपाल डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है, तो दे दिया जा सकता है, तो इसको लेकर अभी भी कयास लगाए जा रहे हैं।